MIUI 9 के बाद से सभी Xiaomi डिवाइसेस में स्प्लिट स्क्रीन का फीचर आ चुका है, लेकिन बहुत से यूजर्स को ये नहीं मालूम कि इस फीचर को कैसे इनेबल या फिर यूज करते हैं। सो हे गाइस, दिस इज सुराज। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने Xiaomi डिवाइसेस में स्प्लिट स्क्रीन फीचर को यूज कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्प्लिट स्क्रीन फीचर को यूज करने के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि आप किन दो एप्लीकेशन को यूज करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर अपनी दोनों फेवरेट एप्लीकेशन YouTube और Twitter को यूज करूंगा। तो इस फीचर को यूज करने के लिए आपको यहाँ रिसेंट ऐप के बटन पर टैप करना है और फिर आपको यहाँ ऊपर स्प्लिट स्क्रीन लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा, इस पर टैप करिए। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रैग आइटम हियर। तो आपको सबसे पहले उस एप्लीकेशन को यहाँ ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा जिसे कि आप पहले प्रोसेस करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने YouTube को यहाँ ऊपर रख दिया है। अब दूसरी एप्लीकेशन को प्रोसेस कराने के लिए आपको उस पर टैप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मेरे YouTube की वीडियो भी साथ में प्ले हो रही है और मैं उसके साथ ही अपने Twitter एप्लीकेशन को भी यूज कर पा रहा हूँ। आप चाहे तो इन दोनों एप्लीकेशंस की साइज को भी अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं। आपको यहाँ नीचे एक लाइन खींची हुई दिखाई दे रही होगी, इस पर टच करके जब आप ऊपर ड्रैग करेंगे तो ऊपर वाली एप्लीकेशन की साइज छोटी हो जाएगी और नीचे की एप्लीकेशन को आप आसानी से यूज कर पाएंगे। इस फीचर को डिसेबल करने के लिए आपको सिंपल इसको पूरे नीचे की तरफ ड्रैग कर देना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन फुल स्क्रीन में प्ले हो रही है और ये फीचर अब डिसेबल हो चुका है। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई हो तो इसे डिसलाइक कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लिया, अपने सवाल नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। फिलहाल इतना ही, मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।